Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Today we are doing class 6 German book Hallo Deutsch, module 1, lesson 3. Hast du Geschwister? Do you have siblings? In this chapter, we learn about various questions and family members and how to take interview and give the answers. So let's begin. Conjugations. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब हाबन. सबसे पहले हम हाबन वर्ब की कॉन्जुगेशन देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस और आंसर्स फ्रेम करेंगे इस चैप्टर में. तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, एंड तक देखना, पूरा चैप्टर कवर किया है. इश हाब, डू हास्ट, एल जी एस हाट, वीयर और जी कैपिटल हाबन, ईयर हाफ्ट. जैसे आपको बोलना आई हैव ब्रदर, इश हाब ब्रूडर, यू हैव ब्रदर, Du hast Bruder, or he has a sister. Er hat eine Schwester. तो इस तरह से हम haben verb की conjugation को use करके sentences frame करेंगे. Next, देखिए मैंने कुछ answers लिखे हैं ये. Tim, hast du Geschwister? Tim, do you have siblings? क्या तुम्हारे brother और sisters हैं? तो एक पॉसिबिलिटी है या इश हैव आई ने सिस्टर, यस आई हैव ए सिस्टर, एक ये आंसर दे सकते हो आप. दूसरा आंसर दे सकते हो नाइन, इश बिन आइंसल किंड, नो आई एम सिंगल चाइल्ड. आइंसल किंड मीन्स व्हेन डू यू हैव नो सिबलिंग्स, यू आर द सिंगल चाइल्ड, आपका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो आप बोलोगे इश बिन आइंसल किंड. और तीसरा आंसर इसका क्या हो सकता है, या इश हैव आइनन ब्रूडर, Yes, I have a brother. तो आप इसमें से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, या तो आप बोल सकते हो फर्स्ट वाला या सेकेंड या थर्ड, तीनों ही सही आंसर्स हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है Hast du Geschwister? या नाइन फ्राग है Do you have siblings? इसको या नाइन फ्राग भी बोलते हैं. नेक्स्ट इसका एक और आंसर होता है Ich habe viele Geschwister, einen Bruder und zwei Schwestern. I have many siblings, one brother and two sisters. मतलब मेरे बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर है और दो सिस्टर्स हैं. ये भी इसका आंसर दे सकते हो आप. अब हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स. जैसे मैंने बोला इश हाबे आइनन ब्रूडर, तो यहाँ जो आइनन ब्रूडर है वो इसीलिए आया क्योंकि ब्रूडर जो मेल है, तो मेल के साथ आइनन लिखना है. ये है इनडेफिनिट आर्टिकल्स. इसका मतलब होता है वन, आई हैव वन ब्रदर, तो वन के लिए आप आइनन लिखोगे क्योंकि ब्रदर का जो जेंडर है वो मेल है. और इसी तरह सिस्टर के लिए आप आईने लिखोगे कि सिस्टर का जेंडर फीमेल है. तो मेल और फीमेल का बहुत ध्यान रखना है आपको आइनन और आईने लिखते हुए. दोनों का मतलब वन ही होता है, आई हैव वन सिस्टर और आई हैव वन ब्रदर, ठीक है. बट आइनन और आईने का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट नाउ वी सी सम एडजेक्टिव्स जो कि इस चैप्टर में यूज हुए. नेट, फ्रेंडलिश, स्पोर्टलिश, फाउल, स्ट्रेंथ, लाउड और लुस्टिश. नेट मतलब नाइस, फ्रेंडलिश मीन्स फ्रेंडली, स्पोर्टी, फाउल मीन्स लेजी, स्ट्रेंग मीन्स स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट, लाउड मीन्स वेरी लाउड, नॉइजी, कुछ लोग होते बहुत शोर मचाते, बहुत लाउड होते हैं, लुस्टिश फनी. अब हम इन एडजेक्टिव्स को यूज करेंगे सेंटेंस में, किस तरह से चैप्टर में इन एडजेक्टिव को यूज किया हुआ है. तो पहले हम क्वेश्चन सीखेंगे फिर उन आंसर्स में एडजेक्टिव को यूज करेंगे. वी इज दाइन ब्रूडर, हाउ इज योर ब्रदर. तो इसमें आपको एडजेक्टिव यूज करना है कि आपका ब्रदर कैसा है, नेचर कैसा है. और सेकंड है वी इज दाइन सिस्टर, हाउ इज योर सिस्टर. सिस्टर के लिए भी आप एक एडजेक्टिव यूज करोगे, ठीक है. तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. एयर इज नेट, ही इज नाइस. यहाँ पे ब्रदर है मेल जेंडर, इसलिए हमने एयर यूज किया है. एयर इज नेट, सिस्टर फीमेल है तो हम लिखेंगे जी. जी इज स्पोर्टलिश, शी इज स्पोर्टी, वो स्पोर्ट्स खेलती है, तो उसको बोलते हैं स्पोर्टलिश, जो स्पोर्ट्स बहुत खेलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी इज दाइन फादर, हाउ इज योर फादर. एर इज सिंपैथिश, इज सिंपैथेटिक, बहुत जेनरस, इज वेरी काइंड. और इसी तरह वी इज दाइन मूटर, हाउ इज योर मदर. जी इज स्ट्रेंग, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रांग, ओके स्ट्रिक्ट है वो.
और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और बनते हैं इस चैप्टर में। देखिए वी आर्ट जिमजी, ये सब किसी की एज पूछोगे फॉर्मल में, वी आर्ट जिमजी, उसका आंसर होगा इश बिन एल्फ यारे आल्ट। आप कुछ और एज भी लिख सकते हो अपनी एज, इश बिन एल्फ, इश बिन स्वॉल्फ, इश बिन ड्राई सेन, सो आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। और टेलीफोन नंबर जब भी हम पूछते हैं तो हम वी इस्ट बोलते हैं, वी इस्ट ईयर टेलीफोन नंबर, हाउ इज योर टेलीफोन नंबर, हम व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर नहीं बोलते, दिस इज रॉन्ग इन जर्मन, हम बोलेंगे हाउ इज योर टेलीफोन नंबर, वी इस्ट ईयर टेलीफोन नंबर, तो आप लिखोगे माइने टेलीफोन नंबर इस्ट, जो भी है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जिन जी फेर हाई राटेट, आर यू मैरिड, जिन जी फेर हाई राटेट, नो आई एम सिंगल, नाइन इश बिन सिंगल। हापन जी किंडर, डू यू हैव चिल्ड्रन, या नाइन क्वेश्चन है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हाबन जी किंडर, क्या तुम्हारे चिल्ड्रन हैं, या इश हाबे स्वाई किंडर, यस आई हैव टू चिल्ड्रन और आई हैव टू किड्स। अब हम इंटरव्यू देखेंगे, इसमें काफी लोग हैं उनके इंटरव्यू दिए हुए बुक में, बुक में चार पांच लोग हैं उनके इंटरव्यू आपको लिखने हैं, मतलब उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन है और आपको उनके क्वेश्चन और आंसर फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं इनके ऊपर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट्स हैं, इसको आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है इससे और इन्हीं को यूज करके आंसर भी लिखने हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा होगा, वी हाइस्तू, ठीक है, क्योंकि नाम है टिम मायर तो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, वी हाइस्तू, हाउ आर यू कोल्ड, ये बोलते हैं। सेकेंड 22 जो है ये एज है, तो वी आल्ट जिमजी, हाउ ओल्ड आर यू। थर्ड में वन ब्रदर लिखा है, मतलब उनके सिबलिंग्स पूछेंगे कि डू यू हैव सिबलिंग्स, हाबन जी गेस विस्टर। थर्ड में स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है। जिन जी फेर हाई राटेड, आर यू मैरिड। और लास्ट क्वेश्चन में मोबाइल नंबर हमें पूछना है, तो कैसे पूछेंगे हम, वी इस्ट ईयर ए मोबाइल नंबर, ये क्वेश्चन हमने बनाया है जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, आप भी इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे लास्ट में एक ईमेल, जो कि हमें चैप्टर के एंड में एक क्वेश्चन है, हमें उस क्वेश्चन का आंसर देना है। एक ईमेल ऑलरेडी गया हुआ है, तो उसके बाद एक आंसर हमें रिप्लाई करना है, यही वो रिप्लाई मैंने आपके लिए तैयार किया। हेलो बेन, कॉमा और फिर फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल, जैसे कि मैंने बताया आपको, थोड़ा स्पेस देंगे वन लाइन, फिर लिखेंगे माई फैमिली इज सुपर, माई फैमिली इज ऑल्सो स्मॉल, माई फादर इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड माई मदर इज 35 ईयर्स ओल्ड, आई हैव अ ब्रदर, ही इज कॉल्ड अरुण एंड ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव डज नॉट लिव विद अस, माई बेस्ट फ्रेंड इज कॉल्ड टीना, बिशवाल्ड मीन्स सी यू सून, डाइन फ्रॉइड, अगर आप बॉय हो तो आप लिखोगे यहाँ पे अपना नाम, गर्ल हो तो आप लिखोगे डाइने फ्रॉइंडिन, ठीक है, गर्ल के लिए डाइने फ्रॉइंडिन आएगा और बॉय है तो डाइन फ्रॉइड ऐसे ही, और नीचे अपना नाम लिखोगे। ये आपका ईमेल है जो कंप्यूटर बेस्ड है, इससे आप तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो आज का समझ आया होगा, इस वीडियो में इतना ही है, सी यू नेक्स्ट टाइम।